हेलो नमस्ते, स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। मैं निकल पाएगा और आज अपने रिव्यू करने वाले थे ऑल न्यू 2023 यामाहा MT-15 वर्जन 2 का। मुझे पर्सनली वर्जन 3 लगता है, लेकिन वर्जन 2 ही कहने पड़ेगा। और इस वीडियो में आपको मैं वॉकडाउन देने वाला हूँ इस मोटर को, क्या क्या नया अपडेट देखने को मिल जाएंगे। जो मेजर अपडेट्स था आपको इस मोटर क्या क्या देखने को मिलता है सबको मैं यूट्यूब के द्वारा आपको बताने वाला हूँ। एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू बनान थी और वाली यामाहा जो मुझे प्रोवाइड कराए। अगर आपको यामाहा कोई प्रोडक्ट देखना है और अगर वेस्ट बंगाल कराने वाले तो शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट लो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। शोरूम पे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको शोरूम का सारा सब कुछ यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं की से की। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको नॉर्मल वाली यामाहा का ब्रांडिंग के साथ की देखने को मिलेगा, वेव की देखने को नहीं मिलती, क्योंकि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और इसमें अपडेट्स क्या क्या आपको सबसे पहले वो बता देता हूँ। जो सबसे पहला मेजर अपडेट है, यहाँ पे आपको नया इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, फुली LED इंडिकेटर, जो कि आपको स्टैंडर्ड आपको इसी द्वारा लगवाना नहीं पड़ेगा, कंपैटिबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा अपडेट जो है, इसमें आपको OBD2 सेंसर देखने को मिल जाएगा इंजन में। एंड थर्ड जो अपडेट है, यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलेगा। जैसे आपको दिखाया था, जैसे कि हम सबका एक कंप्लेन था कि MT-15 में डुअल चैनल ABS क्यों नहीं है, तो यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा अब 2023 में, ठीक है। और टेस्टिंग वाला तो इसमें पहले ज़्यादा ही था। तो ये टोटल 3 अपडेट्स कंपनी ने इस मोटर में किए हैं। और एक और जो है वो कलर अपडेट है, जो कि पहला जो मेटालिक ब्लैक कलर आता था वो फुली ब्लैक था, जिसका एलॉय भी ब्लैक था, लेकिन अब 2023 में उस मेटालिक ब्लैक कलर का जो एलॉय है वहाँ पर आपको ऑरेंज या फिर रेड कलर में आपको एलॉय देखने को मिलेगा। 2023 मेटालिक ब्लैक कुछ ऐसा वाला जो एलॉय यहाँ पर आपको वो देखने को मिल जाएगा 2023 वाला मेटालिक ब्लैक में। तो कलर आपको बता दें। अब अगर प्राइसिंग की बात करो, 2023 में इसका एक शोरूम प्राइस है वो है 169,200 रुपीज़ इसका एक शोरूम प्राइस कोलकाता में। और इसे कलर्स की क्या बात हो, तो इस मोटरसाइकिल 4 कलर्स में अवेलेबल है, जो कि सियान स्टॉर्म, एक आप देख सकते हो आइस ब्लू वर्मिलियन, एक है आपका मेटालिक ब्लैक कलर एंड रेसिंग ब्लू। ये टोटल 4 कलर्स में मोटरसाइकिल आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसका मैं की ऑन करता हूँ। की ऑन करते इसका जो फेस का DRL है यहाँ पर, वो 2 DRL देखने को मिल रहा है, उनका हाई बीम प्रोजेक्टर यहाँ पर हेडलैम्प में देखने को मिल रहा है, जो इसको मैं स्टार्ट करके आपको स्टार्ट करने के बाद इसका थ्रो आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। तो हेडलैम्प में कुछ अपडेट ऐसा नहीं है। इसमें आपको फ्रंट में ये जो कलर है ग्रे कलर, यहाँ पर आपको मेटालिक ग्रे कलर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड ये वाला कलर मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ये वाला कलर मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये वाला कलर क्रीम कलर जैसा देखने को लगता है। तो ये वाला कलर मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन क्रीम जैसा देखने को लगता है, ठीक है। तो फ्रंट में आपको मैंने ये दिखा दिया, यहाँ पर फ्रंट में आपका नंबर प्लेट होल्डर लगने वाला है। यहाँ पर आपका जो मीटर है, यहाँ पर आपको कोई मीटर सील या ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, पूरा नेकेड मोटरसाइकिल है, तो इसे आपको फ्रंट में कोई वाइजर देखने को नहीं मिलता। और दोनों साइड आपको LED इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। मैं आउट ऑफ के वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे आपको पहले जो था यहाँ पर आपको LED देखने को मिलता था, लेकिन अब इसमें आपको कोई भी LED देखने को नहीं मिलता। मैं जला के दिखाता हूँ एक बार इसको। तो ऐसे इंडिकेटर का लाइट कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें ऑफ कर देता हूँ पहले। तो अगर मैं थोड़ा नीचे की तरफ चलता, यहाँ पर आपको गोल्ड एनोडाइज 37mm का USD सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। फ्रंट का मरकर यहाँ पर आपको फाइबर का देखने को मिलता है मेटेलिक ग्रे कलर में। अगर एलॉय की बात करूँ तो यहाँ पर आपको फुल्ली क्रिस्टलाइज कलर में आपको एलॉय देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका फ्रंट का जो एलॉय है यहाँ पर फुल्ली क्रीम कलर में एलॉय देखने को मिल जाएगा। फ्रंट डिस्क की बात करूँ तो यहाँ पर 282mm का फ्रंट डिस्क देखने को मिल जाएगा वाइबर के कैलिपर के साथ। यहाँ पर आपको ABS का रिंग भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फ्रंट में आपको MRF नाइलोग्रिस जापर का टायर देखने को मिलता है। यानी आप देख सकते हो टायर सेक्शन के पास को यहाँ पर आपको 180mm का फ्रंट टायर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं इस साइड पे चलो तो यहाँ पर आप देख सकते हो फुली क्रीम कलर में जो टैंक है, यहाँ पर टैंक फुली क्रीम कलर में, यानी ये जो कलर है आपको क्रिस्टलाइज्ड ब्लू ऐसा कुछ कलर में देखने को मिलता है। आपको MT का लोगो जो लोगो ऐसा सिंबल MT का वॉरियर सिंबल यहाँ पर वो देखने को मिलता है। ऑरेंज में आपको MT-15 का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है। इस साइड पर आपको MT का बैजिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको फाइबर का ही पार्ट देखने को मिल रहा है। टैंक भी यहाँ पे आपको 2 ट्विन कलर में आपको देखने को मिलता है। बीच का पार्ट जो यहाँ पे क्रीम कलर में, एंड ये जो पार्ट है साइड का पोर्शन यहाँ पे आपको जो मेटालिक ग्रे कलर यहाँ पे वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको 3D में यामाहा का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे फ्यूल टैंक की बात करूँ तो मोटरसाइकिल में आपको 3 लीटर्स का फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, एंड इसमें आपको 45 से 50 km तक का माइलेज मोटरसाइकिल को प्रोवाइड करके दे देगी। अगर मैं थोड़ा नीचे की तरफ इंजन की तरफ, इंजन में जो अपडेट है यहाँ पे आपको 2 O2 सेंसर आप देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक O2 सेंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, एंड दूसरा जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि नहीं, यहाँ पे एक और O2 सेंसर यहाँ पे आपको अंदर की तरफ देखने को मिल जाएगा। मैं पूछ करता हूँ, एक और O2 सेंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 155cc सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल FI PV इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि BS6 Phase 2 एंड OBD2 के साथ ये मोटरसाइकिल देखने को मिल रहा है। अगर पावर फिगर्स की बात करूँ
तो ये 18.4 पीस का पावर प्रोड्यूस करती है एंड 14.1 Nm का टॉर्क। तो साइड फ्रेम की बात करो, इसमें डेल्टा बॉक्स फ्रेम यूज़ किया गया है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो मोटरसाइकिल है काफ़ी इजी टू मैन्यूवर है एंड काफ़ी हल्का मोटरसाइकिल देखने को लगता है। ये लिक्विड कूल इंजन है, इसीलिए यहाँ पे आपको रेडिएटर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूँ, इसका डायमेंशंस को बता देता हूँ, 170 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। सीट हाइट इसका 810 mm है एंड 141 kg इसका वेट आपको देखने को मिल जाएगा कार्गो वेट। यहाँ पर अगर सीट की बात करो तो यहाँ पर आपको डुअल सिंगल सीट देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो सीट है ये सबको कंप्लेन होता है कि ये रियर सीट काफ़ी छोटा आपको देखने को मिलता है। राइडर का जो सीट है ये काफ़ी बड़ा आपको राइडर सीट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर रियर में आपको एक्सटेंडेड ग्रैब रेल देखने को मिलता है, ये पार्ट में आपको यहाँ पे मेटालिक ग्रे कलर में यहाँ पे यामा का ब्रांडिंग यहाँ पे आपको वो देखने को मिल रहा है। सो नीचे की तरफ चलो तो यहाँ पर आपको रियर में मूनशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा येलो कलर के साथ। यहाँ पर आपको फुली एलुमिनियम स्विंग आर्म देखने को मिलेगा, लेकिन ब्लैक डॉट है शायद इसलिए आपको पता नहीं चल सकता या नहीं चल रहा होगा। एग्जॉस्ट का बात करो तो यहाँ आपको फुली कार्बन टेक्सचर का यहाँ पे एग्जॉस्ट का डिजाइन दिया गया है, आपको फुली बड़ा सा एग्जॉस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर मैं रियर टायर की बात करूँ तो आपको निसिन का कैलिपर यूज़ किया गया देख सकते हो एंड इसमें आपको 220 mm का रियर डिस्क देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ABS रिंग भी देखने को मिलता है क्योंकि इसमें आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिल रहा है। रियर में आपको MRF रेस का टायर देखने को मिल जाएगा। टायर प्रोफाइल की बात करो तो 140/70/70 का रियर टायर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रियर टायर में आपको यहाँ पर रियर टायर हगर देखने को मिलता है और ये जो टायर है काफ़ी आपको मर्सिडीज़ प्रोडक्ट रहेगा। जो पहला वाला MT था version 1 उसमें आपको यहाँ पे थोड़ा छोटा मिलता है, लेकिन अब इसमें आपको थोड़ा बड़ा यहाँ पे रियर टायर हगर देखने को मिलता है। अगर रियर सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रियर में LED टेल लैंप देखने को मिल जाएगा, इंडिकेटर यहाँ पे आपको LED ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो लाइट है यहाँ पे आपको हैलोजन देखने को मिलेगा, यहाँ पर 3 रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा दो तीनों साइड पे। ठीक है, अगर मैं उस साइड पे चलो तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड देखने को मिल जाएगा, कंप्रेस फिट यहाँ पर साड़ी गार्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ओपन चेनसेट देखने को मिल जाएगा, ओपन चेनसेट का मतलब ये है कि आपको हर 500 से 600 किलोमीटर के बाद इसको वॉश एंड लीव करवाना पड़ेगा। इस साइड में भी आपको सेम यहाँ पे ग्रे कलर में साइड पैनल रियर का यहाँ पर यामा का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ देख सकते हो यहाँ पर आपको एक्सटेंडेड ग्रैबल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको अगर मैं बात करूँ नीचे की तरफ, यहाँ पर आपको 6-speed गियरबॉक्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर राइडर का फुट पे एंड पिलियन का फुट पे एलुमिनियम में देखने को मिल रहा है। 6-speed गियरबॉक्स 1 down and 5 के साथ आपको साइस्टर विथ इंजन कट ऑफ सेंसर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस साइड पर आपको यामा का ब्रांडिंग MT का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है। इस साइड पर सेम डिज़ाइन जैसा कि मैंने आईपी में दिखाया वही वाला सेम डिज़ाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो टैंक मैंने आपको दिखा दिया और जो मेन की यहाँ पर आपको बीच में इसका जो की है इसका बीच में की लगेगा ऐसा सेट करो तो इसमें आपको स्लीपर नेसेस क्लच देखने को मिल जाएगा। अगर स्विच गियर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम पास इसका इंडिकेटर चल रहा है एंड इसमें आपको इसका जो हॉर्न है ये काफ़ी ज़्यादा लाउड है, यहाँ पे आपको हॉर्न देखने को मिल रहा है। ठीक, इस साइड पे आपको इंजन की स्विच एंड सेल बटन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मिरर्स आपको काफ़ी अच्छा मिरर्स देखने को मिलता है, इसका जो व्यू है ये भी काफ़ी अच्छा आपको प्रोवाइड कराएगी। अब चलो इसके मीटर की तरफ, इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगा। आपको ऑन करके एक बार ऑफ करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इस मोटरसाइकिल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो अपडेट इसमें आपको देखने को मिलेगा वो है आपको डुअल चैनल ABS। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको मैं प्रॉपर दिखा दूँ, आपको सिंगल पीस हैंडल बार देखने को मिल जाएगा, यहाँ आपको स्पीडोमीटर, यहाँ पर RPM, यहाँ पर फ्यूल गेज, यहाँ पर किलोमीटर, यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर। अब यहाँ पर नया जो लाइट है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का जो लाइट है आपको वो भी देखने को मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल रहा है। आपका ABS, यहाँ पे हाई बीम, यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे इंजन मेल फंक्शन का लाइट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हाई बीम शिफ्ट लाइट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चेंज करता हूँ, आपका टाइम, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, यहाँ पे फ्यूल, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है इसका नोटिफिकेशन। ठीक है, इसका O2, Trip 1 एंड Trip 2 भी यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को मिल गया। तो फिर से ऑफ करके ऑन करता हूँ, देख सकते हो इंजन मेल फंक्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे हाई बीम लो बीम, तो ट्रैक्शन ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे ABS। अब बाइक को मैं थोड़ा स्टार्ट करता हूँ एंड और जैसे आप इसको अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे ऐप देखने को मिलेगा, ऐप, बैटरी, कॉल, SMS अलर्ट, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट एंड नोटिफिकेशन, बैटरी कितना फ़ोन में, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो मेरे को स्टार्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल सुना के उसको हेलम स्टाफ दिखा के वीडियो को एंड करता हूँ। तो सबसे पहले इसका हिलम आप देख लो, आपको ऐसा कुछ हिलम देखने को मिलता है एंड इसका हाई बीम ऐसा आपको देखने को मिलेगा, इसका लो बीम, इंडिकेटर्स मैंने आपको पहले दिखा था चला के, फिर से एक बार दिखाता हूँ।
अभी सही से सुना था वीडियो को एंड करता तो यही था 2023 यामाहा MT-15 वर्जन 2 का डिटेल वॉकअराउंड रिव्यू। अगर वीडियो अच्छा लगा यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।